सत्तू का स्वादिष्ट और हेल्थी लड्डू, जिसे बनाना भी आसान है और इसे खाने से आपकी बॉडी पूरी की पूरी एनर्जेटिक रहेगी और पूरे दिन बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सत्तू का लड्डू। सत्तू का लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हमने चने लिए हैं। ये 800 ग्राम चने हैं, इनके छिलके बिल्कुल हटा लिए गए हैं। ये देखिए, सभी चनों को हम मिक्सी जार में डाल करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से पीस लेना है। इसे दरदरा ही रखना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी चनों को पीस लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसे पीस लिया है। आपको मैं दिखाती हूँ कितना आपने फाइन इसे पीसना है। ये देखिए, बिल्कुल दानेदार होना चाहिए। जब इसे आप टच करें तो बिल्कुल हमें महसूस हो इसके अंदर कुछ छोटे छोटे दाने हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। बस इसी तरीके से हम सभी चनों को पीस लेंगे। यहाँ पर हमने सभी को पीस लिया है। अब इसे हम किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे परात में निकाल लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे काजू का पाउडर, जो हमने 100 ग्राम लिया है, और यहाँ पर चीनी को भी ऐड किया जाएगा। चीनी यहाँ पर 300 ग्राम है, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर हमने 20 ग्राम मिल्क पाउडर ले लिया है। अब इन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर को भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर काफ़ी इन्हेंस होगा, फ्लेवर काफ़ी बढ़िया आएगा। ये सत्तू का जो लड्डू है वो काफ़ी टेस्टी बनने वाला है। बच्चे बिल्कुल भी हेल्थी चीज़ें खाना नहीं पसंद करते हैं, उन्हें भी आप ये खिलाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसके बाद आपने इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में घी ऐड करना है और बढ़िया सा इसका मिक्सचर बना लेना है, जब तक कि हमारा लड्डू बिल्कुल बाइंड होना शुरू ना हो जाए। फेस्टिवल्स के सीज़न में ये बहुत ही शानदार रेसिपी है और बिल्कुल भी आपका टाइम कंज्यूम नहीं करती है, केवल 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। आपने क्या करना है, इसमें घी डालते समय बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे लड्डू भी बिल्कुल टुनटुन मौसी जैसे बने, बिल्कुल स्वादिष्ट बने, जी हाँ मैं इसी टुनटुन मौसी की बात कर रही हूँ, तो आपको घी डालते समय बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। तो यहाँ पर लड्डू बनना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने सभी लड्डू बना करके तैयार कर लेने हैं। लड्डू का साइज आप अपने अकॉर्डिंग मीडियम, छोटा, बड़ा रख सकते हैं, जितना आपको पसंद है। इसी तरीके से हम सभी लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। ये लड्डू काफ़ी हेल्दी है, आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, हेल्दी रेसिपी है। आप चाहे तो इसे सर्दी में ट्राई कीजिए, आप इसे गर्मी में ट्राई कर सकते हैं, दोनों सीजन के लिए बेस्ट रेसिपी है। इसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए हम इसके ऊपर पिस्ता लगा देंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बन चुके हैं, मार्केट से तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं ये। ये लड्डू जितना दिखने में स्वादिष्ट है, उतना ही खाने में है और उतना ही हमारी सेहत के लिए हेल्दी है। सत्तू के लड्डू में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, यहाँ तक कि मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और ये लड्डू हर उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। इसका सेवन करने से शरीर में कई बीमारियां दूर हो सकती है। इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको इस पूरी वीडियो में बता ही नहीं सकती। इससे अच्छा है आप गूगल करके देख लीजिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूले। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।